नॉर्मली रिश्तेदार भी आते हैं ना मैं उनसे भी यही बातें करती रहती हूँ मैंने कितना रूडली बोला यार मैं कितना रूड रूड साउंड कर रही थी मेरे पैरों में ऐसे शिवरीने सोचने लग जाती मेरे पैर कांपने लग जाते हैं एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ओ माई गॉड मैं इतने टाइम के बाद वीडियो शूट करी हूँ एंड आई इवन कान टेल यू गाइज कि मैं इस कैमरा को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी मैं लिटरली जब भी सो रही थी उठ रही थी ना मेरे में था यार मुझे शूट करना है मुझे शूट करना है मुझे कैमरा के सामने बैठना है आप लोगों से बातें करनी है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो शूट करना बट इतने टाइम से मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था ना कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी यूट्यूब पर कॉन्टेंट डाल ही नहीं पा रही थी थोड़ी बहुत मैंने शॉर्ट्स शॉर्ट वीडियोज़ डाली हैं बट बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे सीरियसली कैमरा के सामने बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है दिस इज़ वॉट आई लिव फॉर मतलब सीरियसली कॉन्टेंट क्रिएशन और वीडियोज़ बनाना मुझे इतना पसंद है एंड दिस इज़ एक्चुअली बाई फुल टाइम जॉब फुल टाइम जॉब होने के साथ साथ ये मेरा पैशन है ऐसा नहीं है कि मुझे लाइक like, मेरी जॉब है तो मुझे करना है मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना बट सो मच हेज़ एपन इन माई लाइफ के मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी बट फॉर टू डेज वीडियो आई एम गन ए क्रिएट अ मेकअप लुक एज वेल मैं बहुत ही सुंदर सा ना एक पर्पल सा स्मोकी आई सॉफ्ट स्मोकी आई क्रिएट करने वाली हूँ विद न्यूड लिप्स अभी एक्चुअली मैं एक इवेंट पे जा रही हूँ मैंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर से आउटफिट पहनी है एंड हील्स वगैरह भी मैंने न्यू खरीदी है बड़ी प्यारी सी अभी मैं आपको सारी अपनी पूरी इंटायर लुक वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी एंड एक बैग भी बड़ा प्यार सा लिया वो बिकॉज पूरा मेरा पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी एंड मेकअप क्या करके जा रही हूँ मैं वो भी आप इस वीडियो में देख पाओगे बट आई टोटली उटली लव माई सेट टूडे बहुत ही प्यारा है सैडली मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन खरीदा था लाइक इन सेंस के स्टोर से खरीदा था दिल्ली में इन सेंस का स्टोर है मैंने वहाँ से खरीदा था तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपके साथ करने के लिए फटाफट से इस फट वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्योंकि इंट्रो को मैं लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि एक्चुअली मुझे भी इवेंट पे भी जाना है और मैं लेट हो रही हूँ अभी मैं आयरा को सुला के आई हूँ नीचे और ऊपर स्टूडियो में आके मैं, मैं वीडियो शूट करी हूँ क्योंकि मुझे था कि एक बार मैं उसको सुला दूँगी ना फिर मैं अपना लाइक like, तैयार होना शुरू होंगी क्योंकि आयरा को मैंने अपनी मम्मी के घर पे देना नानी के घर पे क्योंकि आयरा की दादी घर पे नहीं है वो एक्चुअली वो गए हुए हैं सत्संग था तो वहाँ पे गए हुए हैं पाँच दिन के लिए तो मुझे अभी आयरा को मम्मी को देना है लाइक अपने माइके वाली मम्मी को बहुत सारे काम हैं आज ले सबसे पहले तो मैं कर लूंगी अपना स्किन केयर रूटीन मैंने ये चीज़ ना जान ली है अच्छे से अपने दिल के अंदर बिठा लिया है कि मेकअप से पहले ना स्किन केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी आप मेरी स्किन में ना टच वुड टच वुड इम्प्रूवमेंट भी देख लो मेरे एक्रेज वगैरह ना कितने ज़्यादा लाइक like, कम हो चुके हैं बस थोड़े से स्पॉट्स रह गए एंड स्किन में ना बहुत ज्यादा ग्लो और रेडियंस आ चुका है टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती रहती हूँ ट्राई करती रहती हूँ बट अभी मुझे आजकल ये फॉक्सटेल का रेपिड स्पॉट रिडक्शन ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ना एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन और मार्क्स वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प करता है फॉक्सिल के लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं यू कैन सी द टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा सा मिल्की सा टेक्सचर है तो so, स्किन को ना ड्राई आउट नहीं करता एंड जस्ट इस तरीके से मैं दो तीन ड्रॉप्स इसकी ले लेती हूँ एंड जस्ट को ना स्प्रेडेड ही बहुत ही ब्यूटिफुली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है इसके बाद ना मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करूँ सनस्क्रीन लगाने के बाद से ना मैं अपनी स्किन में बहुत अच्छा लाइक पॉजिटिव चेंज देख पा रही हूँ प्लस ये फॉक्सटेल की रैपिड स्पॉट रिडक्शन ड्रॉप्स एक्चुअली बहुत अच्छे से मेरे स्पॉट्स वगैरह को रिड्यूस कर रही हैं जब तक कि स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है मैं अपनी अंडर आई जेल भी लगा लेती हूँ जिसकी पैकेजिंग लाइक like, फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तो इतनी प्यारी है ना जस्ट चेकआउट द कलर्स लाइक दिस इज़ माई वाइब मुझे आपको बताइए पिंक कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दिस इज आई जेल अंडर आई जेल एक्चुअली ना मेरे लाइक अंडर आईज ना बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं रात को तो लगाऊँ ही लगाऊँ अंडर आई जेल बट मेकअप से पहले भी लगाऊँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैंने मेकअप अप्लाई करना है ना तो वो बहुत देर तक मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस के ऊपर बना रहे तो इसीलिए आई वॉन्ट कि मेरी अंडर आइज़ ना हाइड्रेटेड रहे इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही अच्छा है बहुत ही कूलिंग सी फील देता है ना तो अंडर आइज भी बहुत ज़्यादा काम डाउन सी और रिलैक्स ही हो जाती है एंड ये फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स ना मैंने उनकी वेबसाइट से ही मंगवाए थे एक्चुअली उनकी वेबसाइट पर ना बाय टू गेट टू का ऑफर है तो भी मैंने अपना री भी किया है कुछ प्रोडक्ट्स मैं बताती हूँ जब भी मैं फेस देती हूँ मेरा जो फेस का नेचुरल ऑयल्स है वो स्ट्रिप स्ट्रिप आउट हो जाते हैं तो ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेटिंग क्लेंजर का जो कॉम्बो है ना आई टोटली लव इट क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है सो so गाइज़ आप भी इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो एज़ आई टोल्ड यू बाई टू गेट टू का ऑफर मिल रहा है आपको फॉक्सटेल की वेबसाइट पर अभी अभी जाके ले सकते हो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना आप चार चीज़ें कार्ट में ऐड करो मेरा कूपन कोड यूज़ करो एंड आपको दो चीज़ें फ्री हो जाएंगी तो और क्या चाहिए एंड आजकल मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि मैं बहुत ही लाइट वेट और सटल सा स्किन लाइक मेकअप करूँ इवन तो मेरे फेस के ऊपर स्पॉट्स हैं बट स्टिल आई सम हाउ ट्राई कि मैं अपना लाइक बेस मेकअप को बहुत ही लाइट वेट सा ही रखूँ आई एम रियली सॉरी अभी ना मैंने अपना टेबल नहीं रखा हुआ आप चेकआउट कर सकते हो मैं एक्चुअली अपने दूसरे वाले स्टूडियो के रूम में हूँ ये रूम मैंने अभी अभी बिल्ट किया है एंड बहुत सारे चेंजेस अभी करने हैं अभी मेरा शाइन भी आने वाला है आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई शाइन बट हाँ थोड़े बहुत मैंने वॉल का कलर चेंज करवा दिया है पिंक करा दिया बिकॉज मेरी सोल का कलर पिंक है तो मैं पिंक कैसे ना करवाती एंड अभी बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं इस रूम में बट मेरा टेबल नहीं आया अभी तक मैंने ऑर्डर किया हुआ है बट वो बन के नहीं आया इसीलिए अभी मैंने अपने सामने चेयर्स के ऊपर अपना सारा मेकअप और सामान वग़ैरह रखा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है मेकअप उठाने में बट कोई बात नहीं आज के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि आज वैसे भी हमको बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी होना है ये जो स्किन केयर है मेरी स्किन में अच्छे से जॉब हो गया है मेरी स्किन को हाइड्रेशन भी बहुत ही प्यारी सी दे दी, दी है मैं अपना ना प्राइमर भी लगा रही हूँ दिस इज नायका का प्राइमर पोर्स को फिल कर देगा हाइड्रेशन अच्छी मिल गई मुझे अब और कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर लाने की जरूरत नहीं है बट मेरे पोर्स विजिबल होते हैं तो मैं अपने पोर्स के ऊपर ये प्राइमर लगा लूँगी कल भाग के जाके मैंने अपना नेल आर्ट भी करवा के आया है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा सा हुआ है मुझे बहुत ही पसंद आया आपको कैसा लग रहा है मेरा नेल आर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताना एंड पाँच छः साल हो गए मुझे नेल आर्ट कॉन्टीन्यूअसली करवाते हुए बट टू बी ऑनेस्ट ये वाला जो किया है ना भैया ने यह बहुत ही प्यारा सा किया है आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइक बहुत सारे फेवरेट्स हैं बट ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ऐसा कि सारी आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा जब भी स्किन केयर कर लो प्राइमर लगा लो ना ऑलवेज ट्राई की मेकअप के बीच में ना दो तीन मिनट का गैप दे दो ताकि सारे प्रोडक्ट्स स्किन में अच्छे से चले जाएं एंड देन आप अपने मेकअप में कैरी फॉरवर्ड कर पाओ और दैट गाइज एम गोना अप्लाई दिस लॉयल एंड कंसीलर मेरी स्किन टोन से ना हल्का सा डार्क है तो ये मेरे अंडर आई सर्कल्स को एक्ने स्पॉट्स को कैंसिल करेगा लाइक like, जो पिगमेंटेशन होती है ना उसके ह्यू को काट देगा क्योंकि आप देखो अंडर आइज़ में हल्का सा ना ब्लू टोन्स होती है तो ये जो डार्क शेड है ना ये उस ब्लू टोन को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे भी हल्की हल्की सी डार्कनेस सी है हल्की सी नोज पे लगा लेते हैं एंड थोड़ा थोड़ा मैं एक्ने स्पॉट्स पे लगाऊंगी इवन तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये फाउंडेशन से भी कवर हो जाते बट क्योंकि इवेंट मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक चलने वाला है तो आई वॉन्ट कि मेरा लाइक एक्ने स्पॉट्स वगैरह पीप थ्रू ना करें अगर कर भी गए तो दैट्स टोटली फाइन मेरी नेचुरल स्किन है मेरे को अपनी नेचुरल स्किन से कोई भी शर्म नहीं है आई लव माई स्किन बट फिर भी थोड़ा सा मेकअप का इवेंट है तो थोड़ा सा ढंग से मेकअप करके जाए अब ऑब्वियसली हम एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में आ चुके हैं आपको पता ही है मैंने अपना मेकअप कोर्स भी लॉन्च कर लिया है एंड आई एम सो 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 ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि मुझे मेरे मेकअप कोर्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लाइक मेकअप कोर्स लाइव जाने से पहले ही इतनी सारी बुकिंग्स आ गई थी एंड इवन दो uh, जब ये थाउजेंड रुपीज़ का था तब तो बुकिंग्स आई रही नहीं थी जब कोर्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया ना उसके बाद भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड कोर्स लाइफ जाने के बाद जब आप लोगों ने उस कोर्स को देखा तो मुझे इतने सारे डीएम्स और मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गाइज टू बी ऑनेस्ट मैं uh, जो एक महीने ऑलमोस्ट एक महीने से गायब थी ना वो मैं अपने कोर्स को ही बना रही थी इस कोर्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी मैंने थर्टी टू क्लासेस इस कोर्स के अंदर डाली हैं एंड अभी भी कुछ क्लासेस है जो मैं बना नहीं पाई उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ कोर्स लॉन्च जैसे ही मेरा हुआ ना मैंने पहले तो लाइक टेन फिफ्टीन डेज मैंने टोटल लग के uh, इस कोर्स को बनाया है बीच में मेरा फैमिली ट्रिप भी आ गया था मैं फैमिली के साथ हम लोग पंजाब साइड एक जगह है ब्यास हम लोग वहाँ चले गए थे फोर डेज मैं वहाँ चली गई इवन दो वो जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल इतनी अमेजिंग और पीसफुल है ना बट स्टिल मेरा वहाँ पे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे घर जाते ही अपना कोर्स कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने ये कमिटमेंट दे रखी थी कि फिफ्टीनथ को मेरा लाइफ जाएगा कोर्स एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैं जैसी तैसे जैसे ही घर भागूंगी ना मुझे फटाफट से अपना कोर्स कंप्लीट करना है एंड आई थिंक कि वो वन वीक के अंदर अंदर मैंने कोर्स तो अपना बना लिया था सारा का सारा बट कुछ ऐसा मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा उन हफ् उस हफ्ते के बीच मैंने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया था क्योंकि दिन रात आप खुद ही मान सकते हो कि थर्टी टू क्लासेज हैं तो थर्टी टू वीडियोज़ हैं एक वीडियो बनाने में ही पूरा दिन लग जाता है और मैंने दिन रात एक करके अपनी टीम के साथ बैठ के मैंने वो कोर्स की वीडियोज़ बनाई है उसको कम्प्लीट किया रोहित ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है टू बी ऑनेस्ट उस वीक में ही वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करी है मेरी बट सम हाउ वी पुल्ड इट थ्रू एंड कोर्स लाइव गया जैसे ही कोर्स लाइव गया उसके नेक्स्ट डे अभी एक्चुअली मैं अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ दिस इज टू फेस बॉन्दिस वे फाउंडेशन कोर्स लाइव जाने के बाद ही मेरी तबीयत इतनी ज्यादा डाउन चली गई मैं आपको बता नहीं सकती यू गाइज नो आई एम ऑल्सो अ मदर एंड लाइक आफ्टर गिविंग बर्थ मेरी बॉडी में लाइक like, आप लगा लो कि 50 परसेंट जो जान थी ना वो चली गई है आफ्टर गिविंग बर्थ ना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है एंड आई थिंक मैंने जो सप्लीमेंट्स वगैरह डाइट में लेते हैं या फिर ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं वो मैंने इतने ढंग से लिए नहीं और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चली गई मेरे पैरों में ऐसे शिवरीनेस होने लग जाती मेरे पैर काँपने लग जाते हैं अगर मैं आधा घंटा भी खड़ी होती हूँ मार्केट वगैरह गई हूँ या फिर कुछ भी मैं कोई काम भी कर रही हूँ खड़े होकर तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मेरे पैर काँपने लग जाते हैं अभी आ, मैं डॉक्टर की हेल्प ले रही हूँ मैं मेडिकल हेल्प ले रही हूँ मैंने सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत सारे लिखवा लिए हैं अपने लिए एंड अभी मैं रोज़ ले रही हूँ एंड उससे टच हु टच वुड मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क़ पड़ा है डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे आ, ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताए हैं जैसे हीट करना है और नीज़ के ऊपर हीटिंग पैड लगाना है बैक पे हीटिंग पैड लगाना है

तो स्किन टोन का वापस से हो जाता है तो दैट्स फाइन बट मेरी स्किन कितनी प्यारी ग्लोई सी लग रही है क्योंकि मैंने बेस में जो वो सिरम लगाया है ना उससे बहुत मुझे वो सिरम बहुत ही पसंद है और वो स्किन को ग्लो भी दे देता है मेकअप के अंदर भी बहुत ही अच्छा लगता है प्लस मेरे स्पॉट्स भी उससे रिड्यूस हो रहे हैं हल्का सा मैं अपने फेस में हाइलाइटिंग इफेक्ट दूंगी अंडर आइज के ऊपर एंड अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे मैं अगेन ये टू फेस का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने टू फेस का फाउंडेशन लाइक कंसीलर तो मैं दो साल से यूज़ कर रही हूँ बट फाउंडेशन जब से यूज़ किया है ना आई एम नॉट गोइंग बैक एट ऑल लाइक मुझे ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना uh, आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन बैक का फाउंडेशन था बट ये टू फेस का फाउंडेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड अभी मैंने ये हाईलाइटिंग करी है ना तो मैं फाउंडेशन बड़े से इसको ब्लैंड करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श सी स्ट्रिकीनेस ना रहे एंड थोड़ी नेचुरल हाईलाइट ही आए फेस के ऊपर बी आई थिंक थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है प्लस ऑल्सो ये स्टूडियो लाइट्स में ना फेस और ज़्यादा लाइट लगता है क्योंकि मैं लाइट के बिल्कुल सामने बैठी हूँ बट अगर मैं नेचुरल ऐसे मिरर में देख रही हूँ तो मेरा फेस इतना वो नहीं लग रहा टैप टैप करके जस्ट को ना ब्लेंड इट ऑल आउट क्योंकि टैपिंग इज द बेस्ट वे टू ब्लेंड लाइक मुझे ना मैं सीरियसली बता रही हूँ मैं अभी ना मेकअप कर रही हूँ ना मैं यूजअली uh, अगर आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखोगे ना उसमें मैं कैसे एक्सप्लेन कर करके हर चीज़ बताती हूँ एंड अभी मैंने मेकअप कोर्स बनाया ना उसमें मैंने इतना बोला है इतना बोला है इतना बोला है कि अभी मेरा मेकअप को एक्सप्लेन करने का ना अभी मन ही नहीं कर रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं जस्ट बैठ के बातें करने वाली हूँ एंड अपना लाइक uh, मेकअप like, को इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मेकअप तो मुझे बहुत ही पसंद है करना मेकअप को एंजॉय करने वाली हूँ बातें करने वाली हूँ एक्सप्लेन करूँगी ऐसा नहीं है कि मैंने मेकअप कोर्स बना लिया तो फिर मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊँगी कि मेकअप कैसे करते हैं एंड ऑल ये मेरा बेसिक नीच है एंड मेकअप इज़ समथिंग आई लिव फॉर एंड टू बी ऑनेस्ट ना मुझे मेकअप करने से ज़्यादा मेकअप को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मज़ा आता है आई होप यू गाइज नो वट आईम मीन के लाइक like मुझे ना ऐसे बैठ के समझाना कि आपको ये नहीं लगाना चाहिए आपको ये लगाना चाहिए लाइक like मेरे नॉर्मली रिश्तेदार भी आते हैं ना मैं उनसे भी यही बातें करती रहती हूँ कि आप ये वाला फाउंडेशन लगा लो नहीं नहीं, आपकी स्किन पे ना वो वाला जाएगा वो ट्राई करो ये वो पागल हो चुकी मैं में में को एक्सप्लेन करने के चक्कर में एंड मेरे रिलेटिव भी भी की कोई भी सलाह चाहिए होती है ना वो मेरे को भी कॉल कर देते हैं कि आयुषी बता मेरे को ना ये खरीदना था मैं कौन से वाला लू एंड ऑल दैट अरे मैं रीकोड का पाउडर लगा रही हूँ ये पाउडर इतना सही है ना आप देख ही सकते हो मैं इवेंट पे जा रही हूँ स्टिल मैं ये पाउडर लगा रही हूँ क्यों क्योंकि पोषण oh पाउडर सारा उड़ गया क्योंकि ना एक तो इसका लाइक जो फॉर्मूला है ना वो ओवर ड्राइंग नहीं है आपको पता है मेरी ड्राई स्किन है एंड ड्राई स्किन के लिए स्पेशली ये पाउडर इतना सही है ना क्यों क्योंकि ये स्किन को ना ओवर ड्राई नहीं करता मेकअप को लॉक कर देगा लॉन्ग लास्टिंग बना देगा बट फेस पे वो ड्राइनेस नहीं आती है जिसकी वजह से स्किन बहुत ही सुंदर और ग्लोई लगती है तो जहाँ पे मेरी क्रीसेज होती है ना मैं पहले क्रीसेस को निकाल के देन पाउडर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी क्रीज ना सेट हो जाए तो ये चीज़ मैं आप बहुत बार ही आपके साथ बता भी चुकी हूँ एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि क्रीज निकाल के पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर मैं इस लाइन के ऊपर ही पाउडर लगा दूँगी तो वो लाइन बनी रहेगी वो लाइन सेट हो जाएगी यानी नेचुरल चीज़ है लाइन तो बनी जाती है लाइक मेकअप करते करते तो इट्स अ नेचुरल थिंग इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते बट हाँ सेट करने से पहले ठीक कर सकते हैं अंडर आइज को सेट करने के बाद मैं बिग फ्लफी ब्रश अपने इंटायर फेस को अच्छे से लॉक कर लूंगी इवन दो ड्राई स्किन है दैट डजेंट मीन कि मैं पाउडर ना लगाऊँ मेकअप जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है अगर आप मेकअप को सेट नहीं करते हो मैंने बहुत सारे लाइक like, इन्फ्लुएंसर्स को ये चीज़ देखी करते हुए दैट इज़ देयर वे ऑफ डूइंग मेकअप दैट्स टोटली फाइन बट अगर हम एक प्रॉपर मेकअप की बात करते हैं ना हमेशा आप कुछ भी अगर क्रीम प्रोडक्ट फेस पे लगा रहे हो बीट योर कंसीलर योर लिक्विड ब्लश या फिर आपका फाउंडेशन है टेंट है कुछ भी अगर लिक्विड प्रोडक्ट्स आप फेस पे लगा रहे हो या फिर क्रीम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो उसके बाद हल्का सा पाउडर लगाना जरूरी है क्योंकि वो गीला होता है अगर आपने फोन रखा या किसी ने आपको ऐसे प्यार से कुछ कुछ ही कर दिया तो उनके हाथ पे मेकअप आ जाएगा या फिर आपके फ़ोन पे मेकअप आ जाएगा क्योंकि मेकअप गीला होता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लाइट लेयर ऑफ पाउडर आप फेस पे जरूर लगाओ जैसे कि मैंने अभी लगा लिया है बहुत हैवी लेयर ऑफ पाउडर क्योंकि अभी मुझे जाना है एंड आई वांट कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे ओके okay, ब्लश के लिए ना मैं ये वाला ब्लश लगा रही हूँ ये मैक का ब्लश है इन द शेड टिंच मी बड़ा ज़्यादा सुंदर कलर है दिस इज काइंड ऑफ अ बर्न कोरल कलर बहुत ब्राइट कोरल नहीं है ब्लश को ना मैं हमेशा यहाँ से शुरू करती हूँ कुछ लोग बहुत ही हाई लगाते हैं कुछ लोग बिल्कुल यहाँ से लगाते हैं मैं हमेशा इस एरिया से लगाती हूँ ताकि मेरा ये जो हाइएस्ट पॉइंट है उस पर मैक्सिमम ब्लश आए ताकि मेरे चीक्स लिफ्टेड लगे एंड देन इसको मैं आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ ब्लेंड कर देती हूँ सो so इससे क्या होता है इससे एक मुझे फेक कॉन्टोर का भी इफ़ेक्ट मिल जाता है एंड मेरे चीक्स भी लिफ्टेड लगते हैं तो so मैं चीक्स के ऊपर एंड नोज़ के ऊपर भी अच्छे से ब्लश लगाऊंगी अगर आपको अभी हल्का सा हैवी लग रहा है सो दैट्स फाइन आपको लग रहा है मुझे नहीं लग रहा <laughs> आई मीन टू से अगर आपको अभी हैवी लग रहा है तो कोई बात नहीं क्योंकि इवेंट तक पहुँचते पहुँचते ये फेड आउट हो जाएगा ब्लशेज जो होते हैं जो फेड आउट हो जाते हैं मैंने कितना रूडली बोला यार मैं कितना रूड रूड साउंड करती थी बट आप देखो ब्लश लगाते ही मेरा फेस में कितना प्यारा सा लुक आ जाता है आई लव ब्लश ओके लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये यूज़ कर रही करी हूं। आप गेस करो ये क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप मेरे एक्चुअली फॉलोअर होना ओ जी आपको पता होगा ये क्या है क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करती हूँ कि मुझे बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर से भी अच्छा लगता है मैंने बहुत बड़ी बात बोली है क्योंकि बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर तो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लाइक like, सारे मेकअप आर्टिस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे मेकअप एंथुजियास्ट en सारे मेकअप एंथुजिया भी यूज़ करते हैं सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे उससे अच्छा लगता है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है आप बताओ क्योंकि इसकी टोन्स बहुत अच्छी हैं लाइक नॉट टू कूल नॉट टू वार्म एकदम परफेक्ट टोन है एकदम न्यूट्रल टोन का कॉन्टोर uh, है ये फेस में बड़ा प्यार्ट मिलता है एंड ऑनेस्टली ना अभी मेरे पास इतनी सारी चीजें पेंडिंग है मेरे पैलेट में मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है मेरा इतना मन करता है ना करने का इफ़ यू आर अ मदर यू कैन रिलेट टू मी अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो आप मेरे से रिलेट कर पाओगे कि मैं इतना ज्यादा क्यों इस बारे में बात राइट करो आई एम कॉन्टोरिंग माई जॉ लाइन लाइकली रियली बैडली नीड इट सो इस एरिया को कट कर देंगे लाइक like, ये जो एरिया होता है यहाँ पे कट करके एक शेडो क्रिएट कर दी एंड दो लाइंस ऐसे ड्रॉ करके उसको डाउनवर्ड्स ब्लेंड कर देंगे तो उससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शार्प नोज़ का इफ़ेक्ट आ जाएगा एंड ऑलवेज़ मेक श्योर कि नोज़ कॉन्ट्रोलिंग इतनी करना कि वो आपके दूसरे फीचर से ज्यादा बैलेंस हो ऐसा ना हो कि इतनी पतली सी नोज हो जाए कि वो बहुत ही बियर्ड सी लगे सो so, मेकअप में बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ओके गाइस फॉर आई मेकअप मैं हुडा ब्यूटी की मर्करी रेट्रोकेट आई शेडो पैलेट बड़ी ज़्यादा प्यारी सी पैलेट है इसको यूज़ करने वाली इसमें बहुत ही सुंदर से पर्पल लाई टोन्स हैं सो आई एम गोना क्रिएट अ ब्यूटिफुल लुक यूजिंग दिस पैलेट एंड अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है दिस इज़ फॉर एवर फ्लॉलेस पैलेट इन द शेड यूटोपिया ये भी यूज़ करूंगी इसमें थोड़े से डीप पर्पल कलर्स हैं सो विल सी वट एवर वी नीड और राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गैना पिक दिस वेरी प्रिटी कूल टोन ब्राउन कलर ब्राउनिश न्यूड कलर है ये एंड इस कलर को मैं बिग फ्लफी ब्रश के ऊपर ले रही हूँ डस्ट ऑफ दी एक्स्ट्रा एंड जस्ट वन आ अप्लाइट ऑन माई इंटायर आईलेट इस तरीके से जस्ट रैंडमली मैं इस कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ आज तक मेरा हल्का सा सॉफ्ट स्मोकी लुक करने का मन कर रहा है इस कलर में ना हल्की सी पर्पल अंडर टोन्स हैं थोड़ा सा छोटा ब्रश लेके ना मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ ये बेरी पर्पल कलर है दिस वन बेरी कलर है ये इसको मैं अपनी आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूंगी थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको एक्सटेंड करूँगी एंड देन ब्लेंड कर दूँगी आउटर कॉर्नर पे प्लेस किया उसको हल्का सा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया एंड देन ब्लेंड कर दिया जितना डार्क पर्पल अभी मैंने वेयर किया हुआ है ना मैं अगर सेम कलर का कर, आई शेडो कर दूँगी ना तो वो बहुत ही वियर्ड सा और एकदम मैची मैची सा हो जाएगा एंड आजकल टू बी ऑनेस्ट ना मैची का इतना ट्रेंड नहीं है जितना मोनो टोन का है लाइक like, जोन सा कलर आपने पहना है आप उन्हीं टोन्स में ही कलर को अप्लाई करो आई शेडो को अप्लाई करो चादर बिल्कुल उसको मैच करना एंड सेम ही बेरी कलर को मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी इस तरीके से लगा लूँगी ताकि वहाँ पे ये कलर कनेक्ट हो जाए तो यू सी मैं किस तरीके से ब्लेंड करते हुए उसको लोअर पे भी लेके जा रही हूँ ताकि मेरे आउटर कॉर्नर लाइक इस एरिया पे ना बिल्कुल ऐसे ब्लेंडेड सा इफेक्ट आए बहुत ही सुंदर सा ऐसे स्मोकी सा एंड ब्लेंड हुआ हुआ अच्छे से वैसा इफेक्ट आए नाउ फ्लैट ब्रश के ऊपर ना मैं ये दोनों कलर्स को मिक्स करके अप्लाई करूंगी ये बिल्कुल पर्पल कलर है इसमें हल्की सी ब्लू टोन्स हैं बट स्टिल ये दोनों मिक्स होकर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे एंड इस कलर को मैं अपनी पूरी की पूरी आईलेट के ऊपर अप्लाई करूँगी दिस इज सच अ अवटिफुल शेड आप देखो कितनी प्यारी सी इसमें शिमरीनेस है बहुत ही अच्छा एंड ये दोनों मिक्स हो गए ना और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्लैट ब्रश को इस तरीके से प्लेस करो एंड उसको अपनी क्रीज में इस तरीके से फॉलो करते हुए ले जाओ एंड देखो आप अपने आप ही एक बहुत ही शार्प सी कट क्रीज की लुक आ जाएगी एंड इस शिमरी शेड को मैं पीछे की तरफ अच्छे से अपने बेरी कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी सो आई एम टेकिंग दिस शिमरी शेड राइट हेयर ये वाला शिमरी शेड को लेके आई एम का पॉप इट इन माई इनर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर पे लगाते लगाते ना लाइक like इस तरीके से इनर कॉर्नर पे लगाते हुए इस कलर के अंदर ना बड़ी अच्छी सी पर्पल ब्लू कलर के रिफ्लेक्स हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस लुक के साथ सो इनर कॉर्नर पर लगाते लगाते मैं थोड़ा सा ना इसको अपनी लोअर लैशेस के इनर कॉर्नर पर भी लेके जाऊँगी सो दिस इज आउट इट लुक्स लाइक आई थिंक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है बहुत लाउड भी नहीं है सटल पर्पल कलर है एंड अच्छा लगेगा एंड नाउ इस लुक को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैं ये एल ई टी का आई लाइनर लगा रही हूँ ये शार्पट में भी आए थे मैंने इनका पूरा वो पिच देखी थी ये लाइनर्स मुझे अच्छे लगते हैं लाइक like, इनके लाइनर्स मुझे काफ़ी पसंद है एंड बहुत सुंदर सुंदर से शेड्स भी आते हैं सो जस्ट गाइन माई आईलेट्स विद इट इस लाइनर से मैं एक छोटी सी विंग भी ड्रा कर रही हूँ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आई थिंक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये कैमरा में एंड रियल लाइफ में भी अच्छा लग रहा है कैमरा में ही नहीं मैंने हाई नहीं लगाया तो जब तक ये आई लाइनर सूख रहा है मैं ये रेमल का हाई लगा लेती हूँ फटाफट से दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर थोड़ा सा ही शैम्पेनी गोल्डन कलर का हाईलाइटर है बट दिस इज़ अ गॉर्जियस हाईलाइटर यू सी कितना स्टनिंग है गुड थिंग इसके ना स्किन में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है जिसकी वजह से ना इसे चंकी से पार्टिकल्स नहीं दिखते स्किन नेचुरली ग्लोई सी लगती है बहुत प्यारी शाइन करती है एंड आई ऑलवेज लाइक टू अप्लाई हाईलाइटर ऑन माई एप्पल्स ऑफ चीज आई डोंट नो लाइक लोगों को नहीं पसंद होता मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर लगाना क्योंकि जब मैं ऐसे स्माइल करती हूँ ना मेरे ऐसे चीक्स एकदम बल्ब की तरह चमक उठते हैं और उसकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि मुझे ऐसे स्ट्रीकीनेस नहीं अच्छी लगती कई लोगों का मैंने देखा है यहाँ पे हाइलाइटर होता है यहाँ पे ब्लश होता है यहाँ पे कॉन्टोर होता है आई वॉन्ट की सब कुछ ब्लेंडेड सा लगे चिन के ऊपर भी हाईलाइटर लगा लेंगे हल्का सा ऑन टिप ऑफ माई नोज नोज थोड़ी सी मेरी जल्दी ऑयली हो जाती है तो मैं बिल्कुल हल्का सा ही यहाँ पे लगाऊंगी ज़्यादा नहीं ताकि ये पॉइंटेड लगे एंड लिफ्टेड लगे नोज जैसे ऊँची उठी हुई सी लगे एंड ऑफ कोर्स ऑन माई फॉर हेड एरिया ये जो टर्निंग पॉइंट होता है फॉर हेड का यू नो द ड्रिल गाइज लाइक मैं कितनी बारी ये सब बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पर हाईलाइटर लगाऊंगी सेंटर पर नहीं लगाते ताकि फेस ऑयली ना लगे एंड ऑल ऑफ देट सो जस्ट का ना मर्ज इट इन माई स्किन अच्छे से एंड अभी जिस ब्रश से मैंने अपना ब्लश लगाया था ना वो सेम ब्रश ले रही हूँ मैं एंड वट एवर इज लेफ्ट ऑन इट मैं एक्स्ट्रा ब्लश नहीं पिक करूँगी जो भी इसके ऊपर बचा कूचा है ना जस्ट वैन आई रन इट थ्रू माई चीक सो दैट मेरा हाईलाइटर और ब्लश आपस में मर्ज हो जाए अच्छा सुना सी स्किन कितनी ग्लोई ड्यूवी सी लग रहा totally kind of so so है -फट आई टोटली लव दिस काइंड ऑफ लुक्स जिससे मेरी स्किन हेल्दी लगे सो वड एम वन डू मैं फटाफट से आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ एंड ये वाली आई को भी कंप्लीट करके आई लाशेज लगा लेती हूँ क्योंकि आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है एंड आई वी राइट बैक टू डू माई लिप्स एंड माई फाइनल टचअप गाइज दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक आफ्टर आई लैशेज एंड आई ब्रोज आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एंड बहुत ज्यादा पुट together लग रहा है आई एम add my final फाइनल थिंग is इज to टू बी lipstick. लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए मैं बिल्कुल nude पीची कलर लगाने वाली हूँ the लिप्स वेरी वेरी नाइस एंड म्यूटेड मैं लगा रही हूँ मेबलिन की इंक वायरनल लिपस्टिक एंड शेड पीची दिस इज stunning कलर इस लिपस्टिक को ही मैं अपनी कितनी सारी videos में फीचर कर चुकी हूँ ना आई टोटली टोटली लव दिस कलर एंड आई थिंक मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए मेरे स्किन टोन के हिसाब से है ना ये परफेक्ट न्यूट पीची न्यूट कलर है ग्लॉसी भी है ना तो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगता है सो दिस इज हाउ दिस कलर लुक्स लाइक वेरी वेरी स्टनिंग कलर असली फाइनल टचेस के लिए मैं दोबारा से अपना लूज पाउडर ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट कॉन न लॉक माई दिस एरिया जहाँ पे ऑलरेडी शाइन आ चुकी है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरा ये जो एरिया है ना इस एरिया पे बहुत जल्दी शाइन आ जाती है ऑयल्स नहीं आते हल्की सी ना शाइनी सा हो जाता है सो आई ऑलवेज लाइक टू अप्लाई सम पाउडर ऑन दिस एरिया लास्ट में एंड हल्का सा फॉरहेड पे भी लगा लेते हैं ताकि जो लुक है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश सा हो जाए एंड जब भी मुझे टचअप करना होता है ना मैं हल्का सा पाउडर रखती हूँ अपने बैग में एंड इन्हीं एरियाज़ के ऊपर लाइक like ये वाले एरिया पे एंड ऑल्सो कॉन्टोर के नीचे तो बेसिकली जहाँ पे ब्लश नहीं है कॉन्टोवर वगैरह नहीं है उन एरियाज पे मैं दोबारा से पाउडर लगा के उसको फ्रेशन अप कर लेती हूँ क्योंकि अगर चीक्स के ऊपर शाइनीनेस आ भी रही है तो वो अच्छी लगती है वैसे लगता है कि हाईलाइटर ही शाइन कर रहा है बट इस एरिया पर शाइनीनेस आती है ना तो फेस बहुत ही डल सा लगता है एंड आई एम गोना वेयर दीज गॉर्जियस ईयरिंग्स मैं ऑलरेडी अपनी वॉच पहन चुकी हूँ एंड मैं अपना काटिया का ब्रेसलेट भी पहनने वाली हूँ एंड जो मेरा फाइनल लुक होगा ना उसकी मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी इवेंट की ताकि आप देख लेना कि मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है आई टोटली लव दीज ईयर रिंग्स मैंने मीशो से लिए थे दीज आर सो अफोर्डेबल लाइक आई थिंक 150 के अंदर अंदर ही थे बट ये इतने प्यारे एलिगेंट और सोफेस्टिकेटेड से लगते हैं ना आईम क्योंकि ना डू माई हेयर एंड जो उसको ना हेर क्योंकि आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना लेट हो रहा है तो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक मैं यहाँ पे ना पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है उसका ना हेड आउट मुझे आयरा को घर पे भी ड्रॉप करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है आई एम क्विकली करना रश टू माई इवेंट एंड आई रियली होट गाइज लाइक दिस वीडियो मैं बहुत टाइम क्यूट मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आया आई रियली होप आपने भी इंजॉय किया होगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोट फोर्गे मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ना